में इंडिया के जो टॉप मोस्ट रेटिंग चल रही है वो डॉन सिनेमा 4.5 है आउट ऑफ 5, और इट इज़ रियली बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि ओटीटी के बारे में लोग कहते थे ओटीटी मींस इरोटिक, बोल्ड, नॉनसेंस, गाली गलौज। मैंने उस बैरियर को तोड़ा था। मैंने जब डॉन सिनेमा लेकर आया था तो आई सेड आई विल नॉट अलाउ एनी इरोटिक कंटेंट, एनी गाली गलौज, बेवकूफ़ी। हम लोग उस देश में रहते हैं जहाँ हम लोग मशहूर हुए हमारे कल्चर की वजह से। हमारी जितनी टॉप 10 हिंदी फिल्में अगर पूरे वर्ल्ड में देखी जाएंगी उसमें पंजाबी कल्चर, गुजराती कल्चर, महाराष्ट्र कल्चर, कल्चर को लेके बात होती है तब फिल्में सब बड़ी हिट होती है, चाहे दिलवाले दुल्हनिया हो, कभी खुशी कभी गम हो, जो टॉप 10 फिल्में हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ओटीटी मतलब इरोटिक नहीं है, तो मैंने कोशिश की थी कि हम इरोटिक के बगैर, बोल्ड कंटेंट के बगैर ओटीटी चलाएंगे। लोग मुझ पर हंसते थे, लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड वी आर आउट ऑफ 5, 4.5 पे है, और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग बगैर इरोटिक के। हिंदुस्तान की जनता ये भी जानना चाहती है कि डॉन क्यों नाम सुना आपने, क्या वजह है? डॉन अंडरवर्ल्ड। ऐसा ऐसा है कि डॉन हमेशा अट्रैक्शन रहा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, चाहे फिल्म बनी हो उस नाम से, चाहे रीजनल फिल्म बनी हो, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, हिंदी में, जब जब डॉन नाम से फिल्म बनी सुपर हिट रही है। लेकिन मैं जब अपना प्लेटफॉर्म का नाम ढूंढ रहा था तो मुझे लोग सजेस्ट कर रहे थे कि नेटफ्लिक्स है तो आप कोई फ्लिक्स रख दो या कोई नेट रख दो, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कॉपी नहीं करना मुझे, मुझे मेरा नाम, जैसे पेन एंड कैमरा था, कादर खान ने मुझे ये नाम दिया था, मेरी कंपनी मेरे काम को रिप्रेजेंट करती थी। तो ऑलवेज आपका जो टाइटल है, आपका लोगो है, वो आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो डॉन रखने का कारण एक ही था कि डिजिटल ऑनलाइन नेटवर्क। डॉन मीन्स डी फॉर डॉन, और डी फॉर डिजिटल, ओ फॉर ऑनलाइन, एन फॉर नेटवर्क। तो वी आर डिजिटल, वी आर इन डिजिटल बिजनेस। डिजिटल बिजनेस के लिए ऑनलाइन रहना ज़रूरी है, और ऑनलाइन रहने के लिए नेटवर्क ज़रूरी है। तो वी हैव ऑल थ्री। Always there, they are there, don't. Yes.